आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे और धर्म गुरु भी हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने क्या उपदेश दिए थे। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो भगवान गौतम बुद्ध ने भारत के अंदर जन्म लिया और भारत के अंदर बौद्ध धर्म लुप्त होता जा रहा है, लेकिन जिस धर्म को विदेशियों ने अपना लिया, विदेश ने बड़े पैमाने पर अपना लिया, वो आज बड़े पैमाने पर तरक्की कर रहा है। अगर मैं नाम ले लूँ, जापान, ताइवान, कोरिया, सिंगापुर, चीन जैसे जो देश हैं, वो इस समय इतने चरम सीमा पर हैं कि उनका पीछा करना बहुत मुश्किल है। भगवान गौतम बुद्ध भारत के अंदर पैदा हुए और आज इसी भारतवर्ष के अंदर भगवान गौतम बुद्ध का जो धर्म है, उनकी विचारधारा लुप्त होते जा रही है। हमारे धर्म गुरु हैं भंते जी, ये हमारा एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जी जी भंते जी, हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने इंडिया के अंदर जन्म लिया, भारत के अंदर जन्म लिया, लेकिन भारत से ये धर्म लुप्त होता जा रहा है। अब आप जैसे यंगर जो भंते जी उभर के आ रहे हैं, तो थोड़ा लगता है कि पुनः वो जमीन वापस होने जा रही है। जैसे कि तथागत भगवान बुद्ध की 2562 बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको आज हम नववर्ष भी कह सकते हैं जी। और जैसे भगवान बुद्ध की विचारधारा, जैसे लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और जैसे हम कहते हैं कि चिराग होता है, चिराग तल अंधेरा, तो ये भारत आज के समय में जो कहावत है पुरुषार्थ हो रही है, चिराग तल अंधेरा, क्योंकि प्रकाश दूसरी जगह चला गया और जहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को बांटने के साथ साथ दूसरी जगह चला गया। यहाँ पर भी बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर दूसरे लोगों भी प्रयास ये है कि हम जो है अपनी बात, जो अपने धर्म की बात नहीं कर पाते, दूसरे धर्मों की एक दूसरे को कटाक्ष के चक्कर में सारी चीज़ें हम विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि हम अपनी एनर्जी दूसरों धर्मों के प्रचार के लिए लगा रहे हैं जी। जैसे कि हम देवी के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, मगर ये नहीं सोचते कि हमने जो भगवान बुद्ध की जो पांच सीलें हैं, उनको हम कैसे पालन करें और कैसे जीवन में उतारें और आगे चलने का प्रयास करें। बंदे जी, एक धर्म तो यहाँ इंडिया के अंदर भिन्न भिन्न तरीके के हैं, इस भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य भी कहा जाता है जी जी जी, लेकिन और धर्मों को बढ़ाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करती है, लेकिन जब बौद्ध धर्म की बात आती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत हो जाते हैं विदेश से कि मैं बौद्धिस्ट कंट्री से आया हूँ, वहाँ जब भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू, बड़ी बड़ी स्टेचू देते हैं, तो उनको लगता है कि बौद्धिस्ट कंट्री से आए, वहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पैसा बड़े पैमाने पर लेके आते हैं, लेकिन जब इंडिया के अंदर आ जाते हैं तो उनको कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, फिर उनको जय श्री राम का नाम लेते हैं जी जी जी। जैसे कि विदेशों में जो, जैसे आपने चीन, जापान वगैरह 165 देश हैं जिनमें भगवान बुद्ध का धर्म अभी भी है, और जैसे अमेरिका महादेश होते हुए उसमें 1000 बुद्ध विहार हैं, शक्तिशाली देश होने, शक्तिशाली होने के बाद भी 1000 बुद्ध विहार हैं, और वो कहाँ से, सब यहाँ से ही लोग जाते हैं, विदेशों में लोग जो शाखाएं बड़े लेवल पर काम हो रही हैं, मगर यहाँ पर हम लोग धर्म के लिए तो हैं, मगर त्याग नहीं है, धर्म चाहता है त्याग, और जब तक हमारे अंदर त्याग नहीं आएगा तब तक हम जा नहीं सकते। जैसे अशोक का हम उदाहरण लेते हैं, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को दान दिया था धर्म के लिए, इसी तरह हमारे अंदर भी दान देने की भावना नहीं है, और जब तक हमारे अंदर दान देने की भावना नहीं आएगी तब तक धर्म नहीं फैलेगा। दूसरा, जैसे कि हम उदाहरण देते हैं आरएसएस में सुबह पूरी फुल टाइम वर्कर होता है और वो शादी नहीं करता, पूरे जीवन भर लाइफ काम करता है, ऐसा हमारे अंदर त्याग आना चाहिए। वो कहाँ से उन्होंने सीखा, यहाँ से सीखा, मगर वो फॉलो करके, जैसे कि ये सिख जो धर्म है वो थोड़ा 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 करके वो पूरे गुरुद्वारे को किस रूप में बना देते हैं, जैसे कि मुस्लिम है, मुस्लिम भी एक एक रुपया इकट्ठा करके एक चौड़े में मस्जिद बना देते हैं, मगर वो त्याग नहीं आ रहा। जैसे कि तीन प्रकार का त्याग होता है, जिस आदमी के पास धन नहीं है श्रम तो कर सकता है, जिसके पास धन है वो ज़्यादा धन है वो धन दे दे, जिससे श्रम है श्रम दे दे, जो आदमी बुद्धिमान है वो सलाह दे दे, तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार के दान हैं। जैसे कोई आदमी पानी दे सकता है, सलाह दे सकता है, जिस में वो सपोर्ट है, जिस में समर्थ है, उस तरह का वो सहयोग करके अपना दान का, धर्म का फल प्राप्त कर सकते हैं। भंते जी, एक तरफ कहा जाता है धर्म और एक तरफ कहा जाता है धर्म, धर्म और धर्म में कुछ लोग विचलित हैं,
एक तरफ कहते हैं धर्म, एक तरफ आप लोग कहते हैं धम्म, तो इनकी एक संधि मतलब बताएं। जैसे कि एक धर्म होता है और एक सद्धर्म होता है, एक अधर्म होता है जी। धर्म जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो है, अधर्म जो बुराइयों के साथ लिप्त है अधर्म है ना, और धर्म धर्म जो है सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जोड़ के चलता है, उसको हम धर्म कहते हैं। मगर बुद्ध ने इन सारी चीज़ों को अलग करके धम्म कहा है। उस समय की जो भाषा प्रचलन की भाषा थी पाली, जिसको हम मगधी मगधी भी कहते हैं, आज के समय में बिहार राज्य में मगध मगध यूनिवर्सिटी है जो पाल शासन में बनी थी जी, तो उसके बिहार पर हम जो है उसको धम्म कहते हैं। धम्म मीन्स का मतलब है सिद्धांत, सिद्ध जमा करते करते किसी चीज़ को सिद्ध करके उसमें कुछ और जोड़ने को न बचे और कुछ निकालने को न बचे, उसको हम धम्म कहते हैं। तो धम्म क्या है? बुद्ध है, धम्म है संघ है, उनके जो बुद्ध के जो गुण हैं उन पर चलना है, धम्म में जो बताया रास्ता है उस पर चलना है। संघ ने जो अर्हत जो संघ प्राप्त किया है, संघर्ष करके संघ प्राप्त किया है, जैसे हम कहते हैं राग भग्गो द्वेष भग्गो मोह भग्गो, उसको संघ कहा गया, तो उसको उसको हम आगे जाके धर्म मानते हैं, बुद्ध और धम्म संघ। हाँ बंते जी, आप अपने उपासकों से क्या ऐसी अपील करना चाहते हैं कि वो इस धम्म में जुड़ें और भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा को अपनाएं? हाँ, जैसे कि मेरा उपासकों से, सभी उपासक और युवाओं से अनुरोध है कि जो आज के समय में देश में जो गतिविधियां चल रही हैं, और माता पिताओं से ताकि अपने बच्चों को जानबूझ के गलत ऐसे जगह ऐसे संगठनों से ना जुड़ें जिसमें हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है, और ऐसी जगह जो नैतिकता सिखाई जाती है, धर्म सिखाया जाता है, आगे मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, वहाँ पर जोड़ने का काम करें ताकि हमारे जो बच्चे, हमारा जो भविष्य है वो आगे हम उज्जवल बना सकें। धन्यवाद बंते जी, बहुत अच्छी बात बंते जी, बहुत अच्छी बात बताइए कि अगर आपको अपना उद्धार करना है, अपना सुधार करना है और आपको अपना आगे बढ़ना है, सिर्फ एक बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिससे आप अपनी उन्नति कर सकते हो, अपने परिवार की उन्नति कर सकते हो, अपने समाज की उन्नति कर सकते हो, अपने राज्य की उन्नति कर सकते हो, अपने देश की उन्नति कर सकते हो। अभी बताया कि जिन जिन देशों ने भगवान गौतम बुद्ध की विचारधाराओं को माना, आज वो देश बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए युवाओं से अपील किए और अपने उपासकों से अपील किए कि आप अधिक से अधिक शिक्षा पर ध्यान दें। अगर शिक्षा आपकी है तो आप धर्म के बारे में पहचानेंगे, धर्म के बारे में पहचानेंगे, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पहचानेंगे, क्योंकि और जो धर्म है वो मनगढ़ंत हैं। क्यों बनते जैसा ही है, और जो धर्म है सब मनगढ़ंत हैं, जिनका कोई भी ना तो सिर है ना पैर है, और उन धर्म ग्रंथों के अंदर जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक रिपोर्टर होने के नाम में, इसलिए जैसे भंते ने बताया कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे, जो उनका धर्म है वो बहुत ही एक साक्षार हुआ है, और उन्होंने बताया कि जो विदेशों ने अपनाया है वो धर्म पर ही चलकर अपनी तरक्की की है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।